देखो लिखा है न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब समझ रहे हो, मम्मी पापा से या पेरेंट्स से तुमको जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिली हैं वो क्या है, इनहेरिटेंस। यानी कि मम्मी की तरह की तुम्हारी आवाज़ है या पापा के तरीके का तुम्हारा फेस है, ये सब तुमको कहाँ से मिला, कैसे मिला, किसके द्वारा ना, तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। यानी कि न्यूक्लियस का काम होता है इनहेरिटेंस करना। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि इनहेरिटेंस के अलावा ये एक्ट करता है एक कंट्रोल सेंटर के रूप में। कौन, न्यूक्लियस। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं कल से, न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस का पहला हमको काम पता चला कि ये इनहेरिटेंस में काम करता है, यानी कि पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग यानी कि बच्चों में कैरेक्टरिस्टिक्स लाता है। दूसरा इन्होंने बोला है कि वो सेल का कंट्रोल सेंटर होता है, जैसे पूरा एक एग्ज़ाम होता है स्कूल का, तो एक कंट्रोल रूम बनाया जाता है, वहाँ से हर चीज़, वहाँ पे पेपर रखे होंगे, कॉपीज़ वहाँ